पलिया में गुरुवार की रात अलग अलग स्थानों पर 11 प्रतिबंधित पशुओं के शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैली थी। आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी के साथ हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी व जाम लगा दिया था। शुक्रवार को भी लोगों में तनाव देखने को मिला। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस व PAC के जवान शहर बुला लिए गए। आज शहर का पूरा बाजार अपने निर्धारित समय पर खुल गया है। पुलिस और PAC के जवान बराबर शहर में गश्त करते रहे। SDM व CO ने भी गश्त करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बलिया हमेशा से शांतिप्रिय शहर रहा है। यहाँ की जनता बहुत शांतिप्रिय है। हमेशा यहाँ मिलजुल के लोग रहते हैं। अगर किसी ने भावनाओं को भड़काने के लिए गलत हरकत की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पलिया की शांतिप्रिय जनता से मैं अपील करता हूं कि प्रशासन का शांति बनाने में सहयोग करें और सौहार्द बनाए रखें। सीओ साहब, आज दूसरा दिन है, अभी मार्केट बंद है, माहौल की क्या स्थिति है? आप लोग बराबर गश्त कर रहे हैं, क्या स्थिति है माहौल की? माहौल कोई वजह नहीं है, माहौल एकदम ठीक है, साफ माहौल है। अब ये दुकानदार, कुछ लोगों ने आके हरकत की थी कि दुकान ना खोलें, तो इसलिए बंद किए थे कि अब दुकानें खोली जा रही है। हमारे दुकान वाले से ये अपील है कि दुकानें खोलें, कोई डर भय की जरूरत नहीं है। हम लोग मौजूद हैं, बराबर राउंड पर हैं, और कोई भी अराजकता करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।